जुलाई के महीने में बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में थी, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, इन सबके ट्विटर अकाउंट्स को हैक किया गया था और उनमें लोगों से बिटकॉइन की मांग की गई थी। और अब इसी के साथ इस साल एक और क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड में है, आइए जानते हैं इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में। एलन मस्क ने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसे अभी तक 60,000 से ज़्यादा रीट्वीट किया जा चुका है। ट्वीट में एलन ने दिसंबर 2018 के एक मैगजीन का कवर पेज ट्वीट किया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस ट्वीट में, तो आइए जानते हैं। एलन मस्क के ट्वीट के बाद डॉग क्वाइन के प्राइस में काफ़ी उछाल आया है। अब डॉग क्वाइन है क्या? डॉग क्वाइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे 7 साल पहले डेवलप किया गया था। ये एक मीम पर बनाई गई थी जिसमें एक डॉग को फीचर किया गया है। इसे आप इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, इसे ऑनलाइन सेंड भी कर सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं। इसे इसलिए बनाया गया था कि ये लार्जर डेमोग्राफी को रीच कर सके और इसमें हर वर्ग के लोग इन्वेस्ट कर सके। इसकी माइनिंग आप सोलो, ग्रुप या फिर माइनिंग पूल में कर सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। साथ ही इसकी माइनिंग आप मैक, iOS, विंडोज़ या फिर लिनक्स पर कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि बड़े क्रिप्टो कॉइन्स जैसे बिटकॉइंस को ज़रूरत पड़ती है। डॉग क्वाइन के क्रिएटर का नाम बिली मार्क्स है, जो कि IBM के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर रह चुके हैं। इसका एम ये है कि एक ऐसी फन क्रिप्टो करेंसी बनाई जाए जो लार्ज डेमोग्राफी को रीच कर सके। अब बात करते हैं एलन मस्क के ट्वीट के बारे में। कल रात से ही डॉग क्वाइन की रेट बढ़ रही थी, लेकिन आज सुबह एलन मस्क के ट्वीट के बाद डॉग क्वाइन की रेट हाइप पकड़ रही है। जिन लोगों ने डॉग क्वाइन में इन्वेस्ट किया था, उन लोगों के लिए आज खुशी की बात होगी, हमारे लिए भी खुशी की बात होगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं। धन्यवाद।